तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां पर देखने वाले हैं रुक जाना नहीं परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं का आपके गणित विषय के पेपर के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके कक्षा 10वीं रुक जाना नहीं परीक्षा गणित विषय के पेपर में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको वेरी मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को बताने वाला हूँ। चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे, आप स्वयं इनको देख लें और अच्छे से इनको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो देखिएगा क्या होगा, ये वाला बी नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो देखो ax² + bx + c = 0 इसका राइट आंसर होगा। देखो दूसरे का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, तीसरे का राइट आंसर आपका बी होगा, इसको भी देख ले आप लोग। उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र। तो देखो बी नंबर का इसका राइट आंसर होगा, l² = r² + h इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन, 6:20 का HCF। तो देखो आपका 2 आ जाएगा, त्रिघात बहुपद के कितने शून्य होंगे। तो देखो 3 इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से देखते चले आप सब लोग ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं तो देखिएगा ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब इसके बाद में यहाँ से देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 को, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। पहला रिक्त स्थान, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं समबाहु, यहाँ पर आपको लिख देना है। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है, तो देखो इसको कहते हैं कोटि। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है एक होती है, √2 एक संख्या है, तो देखो ये अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको पूरा और अच्छे से इनको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखो पांचवा क्वेश्चन, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो AP 5, 10, 15 का 10वां पद क्या होगा, 50। उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप स्वयं इनको भी देख लीजिएगा। अब इसके बाद में इन प्रश्नों को देख ले जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है। देखिएगा जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, यहाँ से देखते चले। बराबर घनाभ के आयतन का जोड़ी मिल जाएगी BAC से, वर्ग का क्षेत्रफल की a² से, sin² a + cos² a इसकी जोड़ी 1 से मिल जाएगी, n90 - a की जोड़ी कोट a से, 9 sec² a - 9 tan² a की जोड़ी मिल जाएगी 9 से, और इसके बाद में देखो छठे नंबर की जोड़ी का मिलान हो जाएगा 5 से। तो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको सभी को अच्छे प्रकार से हल करके आ सके। अब इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप स्वयं इनको भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ लें। अब इसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चन ये लिखे हैं, आप स्वयं इनको भी देखें। प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखो स्पर्श बिंदु इसको कहते हैं। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है, 0 होगी। वर्ग 20-40 का वर्ग चिन्ह 30 होगा। उसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के लिए व्युत्पत्ति कर। देखो यहाँ पर आपको लिख देना b² - 4ac। उसके बाद में किसी AP के प्रथम n पदों को ज्ञात करने का सूत्र, तो देखो यह आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना SN n/2a + n-1 × d इसका राइट आंसर होगा ये वाला। उसके बाद में किसी AP के प्रथम अपन ने इसको देख लिया था उन्नयन कोण की परिभाषा, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा, यदि दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और उसके बाद में इन प्रश्नों को देख ले प्रश्न नंबर 5 को, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु को बिंदु पर मिलाने वाली रेखा होती है, ये बिल्कुल सत्य होगा। स्पर्श रेखा छेदक रेखा ये भी असत्य होगा। बिंदु 7, 1 और 0, 0 के बीच की दूरी क्या होगी, 5√2 होगी, ये भी आप लोग लिख लें। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है, यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई समान हो, तो देखो ये भी असत्य होगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ये भी सत्य होगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आप स्वयं इनको देख लें। अब चलो मैं आपको कुछ और वेरी मोस्ट टाइम के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बता देता हूँ। तो देखिएगा इसके अलावा आप स्वयं इन प्रश्नों को भी देख लें। जैसे क्वेश्चन लिखे हैं HCF इंकान व्यक्ति के इसका HCF कितना होगा, 7। आप लोग यहाँ से याद रखें क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है। उसके बाद में समीकरण निकाय का हल होगा, तो देखो कोई हल नहीं होगा। द्विघात समीकरण x² + bx + c =
ये शून्यकों का योग होगा, तो देखो ये होगा माइनस बी बटे ए। उसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ए स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो के विद्युतीकरण का मान जीरो होगा। वृत्त के किसी बिंदु पर किसी के स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी एक। उसके बाद में बिंदु जीरो पाँच एवं माइनस पाँच जीरो के बीच की दूरी तो देखो पाँच रूट दो होगी। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख ले। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये वाले। उसके बाद में देखो यहाँ से भी आप लोग देख लो, इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि टोटली आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करनी है, एस सी एफ और गुणा एल सी एम। तो देखो इसका आ जाएगा ए गुणा बी। उसके बाद में देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको पाँच कर देना है, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आपको त्रिघाती कर देना है, फोर्थ नंबर में आपका आ जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसके बाद में देखो पाँचवा क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग समरूप होता है। और उसके बाद में देखो छठे नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख देना यहाँ पर प्रतिच्छेदी। उसके बाद में देखो सातवें नंबर का क्वेश्चन, त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, तो देखो ये आ जाएगा पाई आर टू। ऐसे आप सब लोग लिख ले उसको और पूरा का पूरा इसको कंप्लीट भी कर लो ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। सही जोड़ी देखो, सही जोड़ी का मिलान कैसे करना है, सेक 90 माइनस थीटा इसकी जोड़ी मिल जाएगी कोसेक थीटा से। उसके बाद में कोस थीटा की जोड़ी 1 बटा सेक थीटा से, साइन 0 डिग्री तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी 0 डिग्री 0 से, कोस 0 डिग्री इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी 1 से। तो ऐसे आप सब इनको देख लें। और उसके बाद में देखो पाँचवा क्वेश्चन, अंडर द रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसकी जोड़ी मिल जाएगी सेक थीटा से। और इसके बाद में छठा क्वेश्चन, अंडर द रूट 1 माइनस कोस ए कोस स्क्वायर थीटा और देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी साइन थीटा से। तो देखो यहाँ तक का आप लोग देख लो इसको पूरा और इनको समझ भी लो। उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन ये पूछे गए आपके, आप स्वयं इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। और उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप स्वयं इनको देख लें। प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखो यदि ए बराबर बी क्यू तो ए एवं बी में क्या संबंध है, तो देखो बी ए का गुणनखंड है, ये आपको लिख देना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्या है तो ए इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब द्विघात समीकरण किस रूप का होगा, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का होगा। उसके बाद में समकोण त्रिभुज का प्रत्येक प्रमेय का नाम, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय का नाम होगा। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका राइट आंसर आएगा। पाँचवा क्वेश्चन, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता, बहुलक कहलाता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होगी। तो देखो यहाँ तक का आप लोग देख लो इसको और पूरा का पूरा समझ भी लो। उसके बाद में पी ई प्लस पी ई का बार का मान क्या होगा, एक होगा। देखो यहाँ तक के आप सब लोग इन प्रश्नों को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लो, प्रश्न नंबर पाँच में, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य आपको कैसे करने हैं, पहला क्वेश्चन तो देखो ये आपका बिल्कुल सत्य होगा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी सत्य होगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये आपका असत्य हो जाएगा। और शंकु की आयतन बराबर पाई आर टू एच होता है, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर की घात 3 होता है, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। तीन माध्यिका बराबर बहुलक प्लस दो माध्य, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, सत्य होगा ये। तो आप स्वयं यहाँ तक के इन प्रश्नों को देख लो। अब चलो कुछ और मैं आपको वेरी वेरी मोस्ट टाइम का टाइप के क्वेश्चन बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों को और देख लीजिएगा, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 26 और 91 का एस सी एफ 13 आएगा, रेखिक बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का शून्यक, तो देखो इसका आ जाएगा माइनस बी बटा ए। तीसरे का राइट आंसर का कोई हल नहीं होगा, चौथे का राइट आंसर 5 होगा, पाँचवें का 50 डिग्री आ जाएगा, छठे में आपको लिख देना 16:81। इस प्रकार से आप सब इन प्रश्नों को देख लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इनको भी देख ले, सभी त्रिभुज समरूप होते संभव, यहाँ पर आपको लिख लेना है। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कहलाती, तो देखो इसको कहते हैं एक्स निर्देशांक। यदि मीनार की ऊंचाई एवं छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव होती है 0। तो देखो यहाँ तक के इन प्रश्नों को देख लो और आप स्वयं इनको अच्छे से कंप्लीट कर लो। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 को पढ़ें, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना है, पहला क्वेश्चन, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इसकी जोड़ी मिल जाएगी कोसेक थीटा से, कोसेक स्क्वायर थीटा से। कोस 90 माइनस थीटा इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी साइन थीटा से, टेन थीटा की जोड़ी मिल जाएगी साइन थीटा बटे कोस थीटा से। उसके बाद में देखो द्विघात समीकरण का विविधीकरण, तो देखो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0 के रूप का होता है।
द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और यहाँ से आप सब लोगों को इस प्रकार से इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में इन प्रश्नों को देख लो, प्रश्न नंबर चार, जिसमें कि आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो जल्दी से हम एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी ए पी के प्रथम एन पदों का योग फल का सूत्र लिखिए। तो देखो ये होगा एस एन बराबर एन और वन प्लस एन बटा दो, और उसके बाद में मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ये आप लोग लिख लें, ये इसका दूसरा आंसर है। उसके बाद में देखो तीसरा, दृष्टि रेखा की परिभाषा, तो देखो दृष्टि रेखा की परिभाषा होगी प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, दो लिख लेना है। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र पाई आर टू, बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर टू एच हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा इनको समझ भी लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर पाँच को देख लो, जिसमें कि आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, सत्य होगा। दो चार छः आठ समांतर श्रेणी, ये भी सत्य होगा। संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी सत्य होगा, असत्य होगा। और इसके बाद में देखो चौथे नंबर का क्वेश्चन, ये भी असत्य होगा। पांचवा का क्वेश्चन, ये आपको सत्य कर लेना। छठे नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका असत्य होगा। देखो इस प्रकार से आप स्वयं इन प्रश्नों को देख लें और पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।